हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन कायाकल्प। तो आज का वीडियो होने वाला बहुत ही स्पेशल। तो सबसे पहले आप वीडियो को बगैर स्किप किए हुए देखिएगा। यदि फर्स्ट टाइम आया मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आप वीकनेस है तब तो आज का वीडियो से आप बिल्कुल ही आईब्रो बनाना सीख जाने वाले हैं। तो आज के वीडियो में मैं बता रही हूँ कि कैसे मैं अपने स्टूडेंट को सिखाती हूँ। तो चलिए वीडियो को पूरा देखिए। आईब्रो मेरे स्टूडेंट बना रही है, तो यदि कहीं कुछ कमी लगे तो प्लीज़ उसे आप इग्नोर कीजिएगा। ऊपर का शेप सही दिख रहा है, कहीं कमी लग रहा है? कहाँ लग रहा है? ठीक है, इसको ठीक करो। यहाँ को ठीक करने के लिए क्या करेंगे? करो, इतना नहीं झुकाएंगे धागे को, इतना नहीं झुकाएंगे धागे को। ये देखो कितना दिख रहा है। तुम अगर यहाँ से झुका देती हो तो क्या होगा इसका, ये आज क्या होगा, ये आईब्रो जो बना हुआ है यहाँ तक ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इसी वजह से ये आईब्रो दबा हुआ दिखेगा और ये उठा हुआ दिखेगा। तो तुमको क्या करना है, तुमको पहले तुम्हारा क्या दिख रहा है, यहाँ पे हेयर दिख रहा है ना, इस हेयर को निकालेंगे ना। तो इस हेयर को निकालने के लिए धागे को ऐसे रखना है, ना कि ऐसे रखना है। तो धागा ऐसे रखेंगे ना, धागे को ऐसे रखो, ऐसे रखेंगे। अब ये देखो एक्स्ट्रा हेयर निकल गया, अब उसको निकालो, निकालो। अब क्या हुआ, यहाँ शेप हो गया। अब तुमको कहीं कमी लग रहा है ऊपर के शेप में, खुद से देखना है। यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा हेयर है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे धागा रखो, कैसे रखोगी? नहीं, वैसे झुका के नहीं रखेंगे, धागा को ऐसे रखेंगे, स्ट्रेट रखेंगे। यही सही है। अगर झुका के रखते हो तो झुका हुआ आईब्रो बन जाएगा। तो यहाँ पे रखो और घींचो, ऐसे खींचोगी, घींचो। हाँ देखो अब क्या हुआ, ये अब शेप परफेक्ट हो गया। तो इस तरह जो ऊपर का शेप हुआ, और जो भी बाकी लोग हैं जिसको नहीं आता है वो देखेंगे। तो इस तरह से ही ऊपर का शेप हो गया। अब क्या है, नीचे का शेप करना है। नीचे का शेप करो, स्टार्ट करो। कैसे करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे? नहीं मैम, यहाँ से। तो यहाँ से स्टार्ट करो ना। कैसे करेंगे, पहले एक दो हेयर लेंगे, पहले एक दो हेयर लेंगे, इसको छोटा रखेंगे, पहले एक दो हेयर लेंगे यहाँ से, ठीक है। लेफ्ट हैंड को थोड़ा सा दबाएंगे, दबाओ, हल्का सा दबाओ, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे अभी बहुत अच्छा शेप नहीं आया लेकिन थोड़ा आया है, ठीक है, थोड़ा बहुत हेयर रह गया है। फिर से करेंगे सेम चीज़, ऐसे लेकर के आएंगे, ऐसे लेकर के आएंगे ऐसे, और उसमें हेयर जो आ गया एक दो उसको निकालेंगे। अब दबाओ, निकला, थोड़ा सा शेप हुआ है। फिर से आएंगे, फिर उसी लाइन से आगे बढ़ेंगे और फिर इसको दबाएंगे हल्का सा लेफ्ट हैंड को, ठीक है। थोड़ा सा और जाएंगे, इसको इतना फैलाएंगे नहीं, इस लूप को थोड़ा कम ही फैलाएंगे, क्योंकि हम लोग को बहुत ही बारीक बाल निकालना होता है, बहुत मोटा चीज़ नहीं निकालना है, ठीक है। एक मिनट, गलती कर रही हूँ, ज़्यादा आगे जाएंगे ना तो पतला हो जाएगा आगे का आईब्रो। बस यहीं तक, इसको हल्का दबाओ, लेफ्ट हैंड को दबाओ, हाँ ठीक है, घींचो घींचो, ठीक है। तो इस तरह से निकला हेयर। अब जो लाइन से नीचे दिख रहा है ना उसको निकाल लेंगे, लाइन में ही जाएंगे, ये इसको निकालो, ठीक है। लाइन बनते जा रहा है, दिख रहा है ना, ठीक है नीलम? हाँ, ठीक है। अब क्या दिख रहा है, एक ये हेयर दिख रहा है जो लाइन से नीचे है, ठीक है। उसको कोशिश करो खुद से निकालने का, हम नहीं पकड़ेंगे, कोशिश करो खुद से, ऐसे। ये जो गांठ है ना, इस गांठ को ऐसे लाओ इसमें और ऐसे निकालो। अब रुको रुको रुको, ये ठीक है, ये हेयर है। पहले इस हेयर को अच्छे से पकड़ लेंगे, इसमें इसमें आ गया ना, दिख रहा है, घींचो। अब ही हम लोग शेप में ही रहेंगे, यहीं पे रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे लग रहा है कि हल्का सा घुस गया है, तो ये पहले इस हेयर को लेंगे, निकालेंगे, निकालो, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ पे जब सेंटर में आ गए तो थोड़ा सा इसको चौड़ा नहीं रखो, लूप पतला रखो, उसी से वो ज़्यादा हेयर को पकड़ लेता है। उसके बाद यहाँ से हल्का सा हेयर निकालो, ठीक है। हल्का सा टर्न करो, हाथ को नीचे की तरफ झुकाओ, यहाँ पे लाओ, थोड़ा सा हाथ को नीचे झुकाओ, और कितना खींचेंगे, घींचो, कितना बताएं एक बार, कितना खींचेंगे? बस थोड़ा सा, बस इतना ही खींचेंगे, आगे नहीं जाएंगे, आगे जाएंगे तो हेयर ज़्यादा निकल जाएगा। खींचो, इसी धागे से हम लोग को झाड़, जो निकल गया, रिमूव हो गया हेयर, उसको झाड़ना भी है और आईब्रो को कम भी करना है। निकालो, ठीक है, इस तरह से इसको कम कर लिए और इस तरह से झाड़ लिए, और ये आगे दिख रहा है कि कौन सा हेयर निकालना है, उसको निकालेंगे। इतना ही, दो ही बाल निकालो, निकालो, ठीक है, निकालो।
अब यहाँ से थोड़ा सा इधर की तरफ आए और ये लंबाई को काटना नहीं है, इस लंबाई पे ध्यान देना है कि ये नहीं ऐसे नहीं धागा चला दें, ऐसे चलाएंगे थोड़ा थोड़ा निकालेंगे, एक एक बाल निकालेंगे, लेकिन उसकी लंबाई को छोड़ देना है। चलो निकालो, ठीक है, फिर निकालो, फिर एक दो बाल निकालो यहाँ से, ठीक है। अब ये जो एक्स्ट्रा हेयर है खुद से निकाल के दिखाओ, हाथ नहीं पकड़ेंगे, एकदम स्लो स्लो चलाना, एकदम स्लो स्लो, बस एक ही दो बाल निकले, ठीक है। स्किन पे दबाना भी नहीं है, हल्का सा, हाँ, जहाँ लगे कि लूज हो रहा है कस्टमर से बोलो टाइट करने के लिए, निकालो। तो यहाँ पे देखो ये होता क्या है, एक दो जब बाल रह जाता है तो बाल का डायरेक्शन है इधर की तरफ, और हम निकालेंगे कहीं और से तो नहीं होगा ना, इस हेयर को आराम से इसमें लूप में अच्छे से फंसाइए और उसके बाद खींचे, एकदम आराम से निकल जाएगा। और थोड़ा सा स्किन से ऊपर ही रखना है, स्किन पे एकदम दबा नहीं देना है, ठीक है। देखो इस तरह से निकल गया सारा। अब यहाँ पे शेप देखना है, एक दो और हेयर निकालो, ठीक है। अब छोड़ना है और शेप देखना है, ये हम बनाए और ये बनाए, अब इसमें अंतर क्या है, ये शेप नहीं हुआ अच्छे से, ठीक, सिर्फ यहाँ पे अच्छे से नहीं हुआ, यहाँ पे हेयर भी कम था लेकिन फिर भी ये आईब्रो अच्छा बना है, पर इसमें थोड़ा सा अच्छे से लाइन नहीं बनाया, तो इस लाइन को क्लियर करना है, ठीक है। तो इस लाइन को हम क्लियर करके बताते हैं कि कैसे करना है, और वैसे ही करना है तुम लोग को भी, अभी तुम नहीं कर पाओगी तो पकड़ो तुम भी नहीं। यहाँ पे मैं इसे इस तरह से सेव कर दे रही हूँ, आप लोग देखिए कि कैसे होगा, इतना कम हेयर है लेकिन इसमें भी फिर भी परफेक्ट सेप चाहिए। तो क्या करना है, जैसा कि मैं अभी बताई कि इस धागे से ही हम लोग ऐसे कम भी करेंगे झाड़ेंगे, तो बस ऐसे ऐसे करके सेप ले लिए, और इसके बाद इस धागे को एकदम से टाइट पकड़ना है, दोनों तरफ से टाइट है। यहाँ पे ध्यान देना है टाइट क्यों है, क्योंकि जिस हेयर को पकड़ना है वो है, स्किन पे नहीं दबाना है, ठीक है, ये टाइट रखना है, दोनों तरफ से खींच के रखना है। और इसके बाद ये ऐसे इस पे अच्छे से रखा गया, इससे क्या होगा, टाइट रखने से ये शेप अच्छे से आएगा, तो इस तरह से रखा गया और इससे निकाला गया। अब देखिए एक से दो हेयर ही निकला है, मैं एक से दो हेयर ही निकाली हूँ, और शेप कैसे एकदम परफेक्ट दिख रहा है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये आईब्रो परफेक्ट हो गया है, मेरी स्टूडेंट ही बनाई है यहाँ पे, और ये परफेक्ट दिख रहा है। तो आज का वीडियो जरूर आप लोगों को समझ में आया होगा, यदि आप बिगनर्स हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आईब्रो को शेप करना है। यदि बिल्कुल आप नहीं जानते हैं फिर भी आज के वीडियो से जरूर ही आप आईब्रो बनाना सीख जाएंगे। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये भी कमेंट कीजिए कि और क्या क्या आप जानना चाहते हैं। और यदि आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी कुछ हेल्प मिल सके। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।